तो आइए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू करते हैं। देखिए इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स और लिटिल बिट अबाउट कॉन्सेप्ट यूज होंगे उसके बाद बारे में पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना देना चाहता हूँ। देखिए इसमें आप पहले पढ़ेंगे फेस स्पेस। फेस स्पेस आप जानते हैं जिसके अंदर आपके पास पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उस फेस स्पेस में आपके पास एक सिंगल फेस सेल का वॉल्यूम कितना होता है पहले ये जान लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिंगल लिख लेते हैं सिंगल फेस सेल ऑफ फेस स्पेस। तो देखिए पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट में आपके पास एक्स एंड पी कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक्स एंड पी कोऑर्डिनेट्स में आपके पास क्या होगा एक सिंगल फेस सेल डेल एक्स एंड डेल पी आपके पास एच के बराबर होगा। ओके तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स की पावर एफ। मैं मतलब समझाता हूँ एफ के लिखा है मैंने, ठीक है। आप पहले ये समझ लीजिए आपके पास वो स्मॉल वॉल्यूम कितना होगा। देखिए मैं नहीं जानता कि वो आपके पास वन डायमेंशन होगा, टू डायमेंशन होगा, थ्री डायमेंशन होगा या फिर एन डायमेंशन होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं देखिए एक का अगर मैं लूँ डी एक्स वन, एक्स लेना सही नहीं रहेगा यहाँ पर, मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ डी क्यू को लेता हूँ, डी क्यू डी पी वन डी क्यू टू डी पी टू, ठीक है। ऐसे मुझे नहीं पता कितने आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके अंदर कितने डायमेंशन होंगे, ठीक है। तो इसको मैं ले जाता हूँ डी क्यू एफ एंड डी पी एफ। सो यू नाउ वेरी वेल नो दैट वाई आई रॉट दैट एच टू द पावर एफ। ओके तो आपके पास यहां पर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस इन पोजिशन एंड मोमेंटम स्पेस, ठीक है। इसमें आपके पास दोनों इंक्लूड हो जाएंगे डायमेंशन ऑफ पोजिशन स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम स्पेस। ओके तो आपके पास जब ये दोनों काउंट हो रहे हैं आपके पास तो पूरे फेस स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी डायमेंशन ऑफ फेस स्पेस। देखिए दो है ना आपके पास तो 2f हो जाएगा सिंपली। और यहां पर हम जो नंबर ऑफ फेस सेल होंगे हमारे पास नंबर ऑफ फेस सेल्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप्स कितनी होंगी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ फेस सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप्स। तो सिंपली हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को इससे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपके पास होंगे अलाउड। तो देखिए इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान रखिएगा अलाउड वॉल्यूम इन फेस स्पेस डिवाइडेड बाय फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए मैं फ्री पार्टिकल में कंसीडर कर रहा हूं पहले फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल आपके पास तो क्या होगा पोटेंशियल जीरो होगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं ना आप, ठीक है पोटेंशियल जीरो होगा। अब देखिए इसके अंदर मैं शुरुआत करता हूँ एफ ऑफ थ्री, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास पहले वन है। तो ऐसे हम हर केस डिस्कस कर लेंगे एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ वन। ओके तो इसमें भी आगे सब केस है मतलब कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेके चल रहा हूं मैं ओके तो देखिए थ्री डायमेंशन में आपके पास क्या होगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। देखिए पी एक्स पी वाई एंड पी जेड आपके पास एक स्फीयर बनेगा। ओके फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ पी, ओके फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ मोमेंटम हमारे पास ये कितना होगा अलाउड वॉल्यूम इन फेस स्पेस आपके पास कितना होगा। देखिए ये आपके पास होगा वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई पी क्यूब। ओके और फंडामेंटल वॉल्यूम इन फेस स्पेस आपके पास कितना होगा एच की पावर क्यूब, क्योंकि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3 है ना, तो आपके पास एच की पावर क्यूब हो जाएगा फंडामेंटल वॉल्यूम एक का आपके पास, देखिए एक का आपके पास एच होगा तो 3 डायमेंशन एच की पावर 3। और अगर हमें रेंज में पूछा जाए ये तो आपके पास किसमें था शार्प वैल्यूज फॉर मोमेंटम पी, अगर आपको रेंज दी जाए रेंज में आपसे पूछ रहा है तो रेंज आपके पास कैसे लिखेंगे, जैसे पी टू पी प्लस डी पी आपके पास रेंज हो तो आप उसे लिखेंगे इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। देखिए पी वी 4/3 एच क्यूब पाई पी क्यूब डी पी। ओके तो 3p² आ गया जाए ना 3p² हो जाएगा ये 3 कैंसिल। ओके तो आपके पास 4v π p² ओवर एच क्यूब डी पी आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसे अब एनर्जी में लिखना चाहे द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर शार्प वैल्यूज ऑफ एनर्जी तो पी स्केयर इक्वल्स 2m ही होता है हमारे पास, तो हम इसे लिख सकते हैं फॉर 4π p² 2m डी पी। देखो यहां पर मैं चेंजेस कर लेके आ रहा हूं, ठीक है पी स्केयर इक्वल्स 2m तो 3/2 4π v 3h³। ओके इसी तरीके से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास किसी रेंज में बताना हो एनर्जी किसी रेंज में हो ई टू ई प्लस डी तो इसमें भी आप क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इसके ये बनेगा। ओके अब आप इस वैल्यू को सारी को जी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है जी ई डी। और अब बात करते हैं रिलेटिविस्टिक केस के बारे में। अगर रिलेटिविस्टिक केस है आपके पास बी रिलेटिविस्टिक केस तो रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास ई इज इक्वल्स टू सी पी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चेंजेस कर दीजिए इसके अंदर और पी इज इक्वल्स टू ई बाय सी तो आपके पास माइक्रोस्टेट्स इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ऐसे हम इसको एनर्जी की शार्प वैल्यूज के लिख देते हैं, एनर्जी की शार्प वैल्यूज के लिखेंगे आप 4
पाई 3 पाई वी ओवर एच क्यूब ई बाय सी। ओके सिंपली देखिए यहाँ से मैं सब्सिट्यूट किया बस पी की वैल्यू। ओके और ऐसे ही आप रेंज ऑफ ई वैल्यूज के लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4 पाई वी ई स्क्वायर ओवर एच क्यूब सी क्यूब। इस वैल्यू को आप जी ई नोट कर सकते हैं जो कि आपको क्या शो कर रही है डेंसिटी शो कर रही है। डेंसिटी हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हैं जी ई जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना जी ई जो डेंसिटी आप इस डिवाइड में डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। ठीक है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स तो एनर्जी स्टेट्स कितनी थी एनर्जी स्टेट की थी एनर्जी पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। ओके तो आपके पास जी ई इतना आएगा नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 वही वैसे ही चीज हम करेंगे हम ये लेंगे पहले नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास ये जो फ्री पार्टिकल है यहाँ पर भी हम फ्री पार्टिकल लिख रहे हैं। ओके तो फ्री पार्टिकल है ऑफ मास एम तो उसकी जो शार्प वैल्यूज ऑफ मोमेंटम पी और टू डायमेंशन में हम मान लेते हैं कि आपके पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट में आपके पास जो एरिया बनेगा वो ए बनेगा। ओके तो आइए देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेंगे देखिए इस बार हमारे पास टू डायमेंशन ही है सॉरी ये मैंने बना दिया गलती से। ओके तो पी एक्स पी वाई। ओके तो इस बार आपके पास क्या बनेगा एक सर्कल बनेगा। ओके तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको टू डायमेंशन ही लगेगी तो पी एक्स एंड पी वाई तो आपके पास इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में पी पी स्क्वायर बाय 2m और पी को हम कैसे लिखेंगे पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई ओवर 2m। ओके जहां तो एरिया एरिया ऑफ मोमेंटम स्पेस तो एरिया ऑफ मोमेंटम स्पेस आपके पास कितना होगा देखिए पाई पी स्क्वायर इजी ठीक है और आपके पास एरिया ऑफ पोजीशन स्पेस कितना होगा एरिया ऑफ पोजीशन स्पेस हम ए ले लेते हैं। सो माइक्रोस्टेट्स फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ मोमेंटम पी आपके पास कितनी होगी अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस ओवर फंडामेंटल। ठीक है तो अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस आपके पास कितना होगा एक पोजीशन का और एक आपके पास मोमेंटम का ए इंटू पाई पी स्क्वायर और नीचे आपके पास एच अब डायमेंशन कितनी है 2h स्क्वायर। ठीक है ऐसे ही हम निकाल लेंगे फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ओके फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ पी स्क्वायर इज 2me तो ए पाई 2me बाय एच स्क्वायर। अब देखिए अगर रेंज दी हो रेंज आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए और क्या करना है रेंज दी हो तो आपको तो ए पाई 2p dp ओवर एच स्क्वायर और इधर भी आप क्या कर दें डिफरेंशिएट कर दें अगर रेंज दी है तो। ओके फाई डैश कर लें इसको कोई बात नहीं ठीक है तो इधर आपके पास कितनी आएगी 2πm a बाय एच स्क्वायर डीई। ठीक है जहां पर कि आपको ये क्या शो कर रहा है डेंसिटी शो कर रहा है। ठीक है डेंसिटी का मैंने आपको पहली फॉर्मूला बताया था जीई से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपको डेंसिटी शो कर रहा है डेंसिटी आपके पास क्या होता है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। ओके तो जीई तो चलिए अब हाथों हाथ रिलेटिविस्टिक केस भी देख लिया जाए तो रिलेटिविस्टिक केस देखिए हम इसी पोर्शन में कवर कर देंगे रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है तो रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास क्या होगा देखिए हम जानते हैं कि इसके अंदर आपके पास P is equals to E by C देखिए यही आपको सब्सिट्यूट करना है हर जगह तो आपके पास मोमेंटम स्पेस में आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स होंगे वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले तो पाई ए पी स्क्वायर सेम एच स्क्वायर है ना और ये आपके पास इसके अंदर रेंज में अगर ये शो करने हो तो रेंज में आप 2πAPdP ओवर एच स्क्वायर और एनर्जी में अगर आप शो करने हो पी इज इक्वल टू ई बाय सी तो पाई ए ई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम अगर हमें शो करने हो ये एनर्जी में ठीक है एनर्जी इंटरवल में ठीक है तो हम कैसे करेंगे शो करेंगे 2πAEdE ओवर एच स्क्वायर सी स्क्वायर जहां पर कि आपके पास जो डेंसिटी होगी इस बार आपके पास कितनी होगी टू पाई ए बाय एच स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए मैं आपको वापस सेंड कर देता हूँ कि आपके पास डेंसिटी क्या होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल तो आपके पास जी आ गई सिंपल तो रिलेटिविस्टिक केस भी कवर हो गया। अब तो अब आगे चलते हैं आपके पास वन डायमेंशन के बारे में बात की जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 1 अभी भी हम फ्री पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है फ्री पार्टिकल तो शुरुआत करते हैं आपके पास फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ मोमेंटम आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स होंगे देखिए एरिया जो इस वॉल्यूम ऑफ आपके पास पोजीशन स्पेस आपके पास कितना होगा अब लेंथ ही होगा ना एक डायमेंशन बच गया अब तो हमारे पास एक डायमेंशन बच गया और देखिए वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस तो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2me। ठीक है जब मैं यहाँ पर वॉल्यूम बोल रहा हूँ इसका मतलब लेंथ ही है। ठीक है इसमें वैसे कोई ज्यादा डूबियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2me तो एक तो प्लस में वैल्यू आ रही है एक माइनस में वैल्यू आ रही है तो लेंथ कितनी होगी 2p होगी ना तो 2p। ठीक है एच ऐसे ही आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर एनर्जी ठीक है तो ये आप निकाल लीजिए सिंपल 2lp आपके पास कितना है रूट टू एम ई बाय एच। ठीक है ऐसे ही आप रेंज अगर आपको पूछ ली जाए रेंज आप कैसे निकालेंगे फाई डैश पी सिंपली 2l बाय एच डीपी। ठीक है और यहां पर आप कैसे निकालेंगे फाई डैश ई
3/2 L under root m by h half into the power minus half d। और यहां से आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपके पास नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट इंटरवल, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2/3/2 L अंडर रूट m 2h e माइनस हाफ। ओके डन। अब बात कर लेते हैं हम हाथों हाथ ही रिलेटिविस्टिक केस के बारे में। रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास e इज इक्वल टू pc, ठीक है, p इज इक्वल टू e/c, p इज इक्वल टू e/c। ओके तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं है। देखिए यहां आपके पास मोमेंटम स्पेस में आपके पास जो सॉरी ये चीज नहीं आया, तो जो फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ मोमेंटम आपके पास ये चीज सेम ही रहेगी 2PL/h, ठीक है। और आपके पास एनर्जी में, एनर्जी में आपके पास ये क्या है, तो चेंज कर दीजिए P इज इक्वल टू E/c 2LE/h। ओके ऐसी फॉर द रेंज, फॉर द रेंज आप क्या देखेंगे, फॉर द रेंज आपके पास कितना आ जाएगा 2L/h dP, और फॉर द रेंज ऑफ E आपके पास ये कितना आ जाएगा 2L/hc dE, ठीक है। और जी आप निकाल सकते हैं 2L/hc जो कि आपके पास नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, ठीक है 2L/hc। तो आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड डायमेंशन पूरा हो गया। अब मैं जनरलाइज करूंगा नेक्स्ट में। अब देखिए हमने 2 डायमेंशन के अंदर बात कर ली, 3 डायमेंशन के अंदर बात कर ली। ओके अब आपके पास डायमेंशन तो कोई सा भी आ सकता है ना, डी डायमेंशन भी आ सकता है। तो मैं एक जनरलाइज केस लेकर चल रहा हूं जिसके अंदर आपके पास ये सभी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन अगर हम देखें तो वो आपके पास जैसे रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए वो भी मैं आपके पास जनरलाइज लेकर चलूंगा, ठीक है। तो अभी भी मैं फ्री पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ओके तो फ्री पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी भी, पर अब हम थोड़ा सिनेरियो चेंज कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को डी डायमेंशन के लिए, ठीक है। तो फ्री पार्टिकल हैविंग एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन, रिलेशन आपको क्या देखा है इज इक्वल टू ए पी डी पावर एम। मैं समझा दूंगा मतलब आप उसको क्या है कि ए क्या है और ये एम कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका सारा मतलब समझा दूंगा मैं, जनरलाइज करके लिखा मैंने इसको वैसे, ठीक है। और यहां पर ए एक कांस्टेंट है वैसे तो, और ये आपके पास फ्री पार्टिकल कन्फाइंड है डिमेंशन, डी डायमेंशन के अंदर, इन डी डायमेंशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस बार हमारे पास कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डी है, ठीक है। तो मैं इसका मतलब बताता हूं आपको, ई ए टू द पावर पी एम। तो देखिए जब रिलेटिविस्टिक केस होगा आपके पास, तो चलो पहले नॉन रिलेटिविस्टिक केस बात कर लेते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा तो m की m 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और a आपके पास कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और जब आपके पास रिलेटिविस्टिक केस होगा तो आपके पास m 1 हो जाएगा और a आपके पास हो जाएगा 1/c epc, ठीक है, a हो जाएगा c, ठीक है। समझ में आ गई बात कैसे लिखा मैंने ये। अब आगे चलते हैं, अब डी डायमेंशन के अंदर जो हमने काम करना है वो करते हैं। जो हम अक्षर का निकालते होते हैं तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पोजिशन स्पेस, पोजिशन स्पेस तो vd, ठीक है। यहां पर जो हम वॉल्यूम लेंगे तो देखिए जैसे थ्री डायमेंशन के जब नीचे बात करते हैं तब तो हम कैसे भी ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं, वन डायमेंशन के जैसे टू डायमेंशन के लिए हमने सर्कल लिया था, ठीक है। पर अब जब थ्री डायमेंशन के ऊपर जाते हैं ना तो हम जनरली स्फीयर कंसीडर करते हैं। ओके तो हम स्फीयर कंसीडर क्यों करते हैं ये तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट रह जाएगा, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि हम स्फीयर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जब हम स्फीयर कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशन, मैं थोड़ा जनरलाइज करके एक बात बताना चाहता हूं आपको इधर में, वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ओके तो देखिए आपके पास कितनी होती है 4/3πr³, ये तो आपको पता ना वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3/2 × 1/2। ओके ऊपर आपके पास पाई है, देखिए रूट पाई से मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो आपके पास पाई 3/2 और ये √πr³। ओके तो इसको थोड़ा सा और लिखते हैं हम, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई 3/2 और ये आपके पास 3/2 फैक्टोरियल नहीं बन रहा है क्या, 3/2 फैक्टोरियल √r³। ओके तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब देखिए मैं इसको डी डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। डी डायमेंशन के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा d/2 फैक्टोरियल, ठीक है, यहां पर r की पावर d। तो यहां से मैं जनरलाइज कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ डी डायमेंशन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो वॉल्यूम ऑफ डी डायमेंशन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा पाई d/2 और r की पावर d/2 फैक्टोरियल, सिंपल। अब देखिए आप ये एक बात भी ध्यान रखिए, जब हम यहां पर सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आता था 4πr² dr, ठीक है। वैसे ही अब आप इसको भी जनरलाइज करते हैं डी डायमेंशन के लिए, डी डायमेंशन के लिए एरिया कितना होगा, देखिए इसको आप क्या करें डिफरेंशिएट करते हैं सिंपली पाई d/2, ये d आ गया आएगा आपके पास d r d-1 ओवर d/2 फैक्टोरियल। तो
तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, तो डी बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा इवेंचुअली ये 2 पाई डी बाई 2 और डी माइनस 1 डी बाई 2 माइनस 1 फॉर 2। ओके, तो ये आपके पास डी डायमेंशन में आपके पास सर्फेस एरिया आ गया। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस आपके पास कितना हो जाएगा, सिंपली पाई डी बाई 2 पी डी पावर डी डी बाई 2 फॉर 2। ओके, तो देखिए आपके पास फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा, देखिए एरिया ऑफ पोजिशन स्पेस एंड देखिए वॉल्यूम ऑफ पोजिशन स्पेस एंड वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस वी डी पाई डी बाई 2 पी टू द पावर डी डी बाई 2 फैक्टोरियल, और आपके पास अब एच डायमेंशन कितना है डी। ओके, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा, और अगर आपको फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ एनर्जी निकालना है, देखिए वी डी पाई डी बाई 2, अब पी हमें क्या दे रखा था, पी हमें जो रिलेशन दे रखा था वो हमें दे रखा था पी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल टू ए पी टू द पावर एम, तो सब्स्टिट्यूट करें उसको, तो पी इज इक्वल्स टू ई डी बाई एम ए डी बाई एम डी बाई 2 फैक्टोरियल एच डी पावर डी। ओके, ऐसे ही हम रेंज के लिए निकाल लेंगे, रेंज के लिए निकालना अब ईजी है, ठीक है आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके, सो फॉर रेंज आपके पास कितना आएगा, देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है सिर्फ अब पाई डी बाई 2 डी पी डी माइनस 1 डी बाई 2 फैक्टोरियल एच डी पावर डी डी पी। ओके, तो आपके पास ये चीज चलेगी, ऐसी एनर्जी स्टेट के लिए निकाल लीजिए आप फॉर द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एनर्जी, तो आपके पास ये कितना आएगा बी डी पाई डी बाई 2 डी बाई एम ई डी बाई एम माइनस 1, और नीचे जो आपके पास चल रहा है ए डी बाई एम डी बाई 2 फैक्टोरियल एच टू द पावर डी डी। ओके, तो यहाँ से हम जी ही निकाल लेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी का आपको पता ही है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, तो आपके पास जी ई कितना आ जाएगा जी ई वी डी पाई डी बाई 2 डी बाई एम डी बाई एम डी बाई 2 फैक्टोरियल। देखिए अगर आप यूं कहेंगे कि मैं ये सभी एक्सप्रेशन याद कर लूंगा मौके पर, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए तभी कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, तो वो एक तो फुलिशनेस वाली बात हो जाएगी कि हम इसे याद कर लेंगे, याद नहीं रहेंगी ऐसी इक्वेशन, तो आपको ये एक कॉन्सेप्ट से रिलेट करके ही आपको बेसिक फॉर्मुला आना चाहिए, बेसिक इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। तो आगे देखिए, अगर हमें डी जनरेसी देखने को मिलती है, इफ देर इज डी जनरेसी जी एस फॉर एनर्जी, ओके इफ देर इज डी जनरेसी जी एस फॉर एनर्जी, तो ये फैक्टर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो जो आपके पास एनर्जी ई के लिए जो माइक्रोस्टेट थे उसके लिए हम क्या लिखेंगे जी एस फैक्टर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वी डी पाई, देखिए वही एक्सप्रेशन वापस लिख रहा हूं मैं, इसमें कुछ नहीं है अलग डी एम डी बाई 2 फैक्टोरियल एच डी। ओके, और ऐसे ही आपके पास फॉर द रेंज, रेंज के लिए भी हो जाएगा कवर, तो रेंज के लिए आप खुद लिख सकते हैं, सिर्फ जी एस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, तो ये मैं आपके लिए ऊपर छोड़ देता हूं। ओके, अब आप देखिए एक बात, कि आपके पास जब स्पिन डीजनरेसी होगी, जो स्पिन डीजनरेसी होगी, तो स्पिन डीजनरेसी होगी, इस चीज को रिकॉल कर लीजिएगा आप वापस से जब ये कहीं डिस्कस होगी, ठीक है, 2s+1 आगे जाके यूज आ सकता है, तो 2s+1 होगी स्पिन डीजनरेसी के लिए। और अगर हम रिलेटिविस्टिक केस ले रहे हैं, रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास इज इक्वल टू सीपी होता है, और इसके अंदर आपके पास फोटोन के लिए जो डीजनरेसी फैक्टर होता है वो 2 होता है, और फोनोन के लिए डी जनरेसी फैक्टर 1 होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप, ये आगे जाके यूज कर लिया जाएगा, तो इसको रिकॉल करते रहिए, करिए रिवाइज करते रहिए, करिए जो भी हमें आपको पढ़ाया जा रहा है। स्पेसिफिक केस कर लेते हैं, जैसे कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगे, तो देखिए इसके अंदर वैसे वही लैंग्वेज चल लिख देता हूं मैं, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग शार्प वैल्यूज ऑफ energy E that is moving in one dimensional potential V of x is equals to half m omega square x square। okay, तो देखिए इसके अंदर आपके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, p square by 2m plus half m omega square x square। okay, तो देखिए इसको आप सही कर लीजिए, तो रीअरेंज करेंगे इसके इक्वेशन को, p square by 2me plus x square by 2e by m omega square। ओके, तो देखिए आपके पास ये इलिप्स नहीं बन रहा है, ये तो इलिप्स बन रहा है आपके पास, ये इसे बना दिया कि आपके पास जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस कहलाएगा और माइनर एक्सिस पी कहलाएगा,
ये आपके पास कैसा भी हो सकता है, जब तक हमें इनकी वैल्यू नोन नहीं होती कि कौन सी वैल्यू आपके पास न्यूमेरिकली ज्यादा आती है, तो उसकी वजह से कैसा भी हो सकता है, ये आपके पास ऐसा भी हो सकता है, तो डिफरेंट पॉसिबल, डिफरेंट ओरिएंटेशन कैन बी पॉसिबल। ओके, तो पी स्क्वायर बाय एम ई प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इसको नाउ अलाउड वॉल्यूम मीन्स यहाँ पर एरिया का ही है ना, ठीक है, मैं जनरल डेफिनेशन बोलता हूँ तो जब मैं ये बोलता हूँ, अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस आपके पास कितना होगा, एक्स एंड पी, देखिए एक्स एंड पी, तो आपके पास रूट टू एम ई इंटू टू ई बाय एम ओमेगा स्क्वायर, आप जानते हैं इसका एरिया कितना होता है, पाई ए भी होता है, पाई पाई एक्स पी हो जाएगा, ठीक है, पाई एक्स पी, तो ये ओके सो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर शार्प वैल्यूज 2 पाई ई ओवर ओमेगा एच, ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपके पास कितनी आ जाएगी 2 पाई ई ओवर ओमेगा, और डिवाइडेड बाय हम फंडामेंटल वॉल्यूम से करते होते हैं तो एच की पावर 1, क्योंकि 1 डायमेंशन में आपके पास, तो देखिए फॉर द रेंज ऑफ एनर्जी, नाउ फॉर द रेंज ऑफ एनर्जी वैल्यूज आपके पास कितना आएगा 2 पाई एच ओमेगा डी ई, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं हम सिंपली, तो देखिए अब हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए 2 पाई आपके पास अगर नीचे आ जाए तो ये एच कट बन जाएगा, तो एच कट ओमेगा डी ई, तो डी ई बाय एच कट ओमेगा, ओके, और यहां से अगर हमें डेंसिटी फाइंड करना होगा, डेंसिटी फाइंड करना होगा तो आपके पास कितनी आएगी 1 बाय एच कट ओमेगा, तो डेंसिटी आप जानते हैं आपके पास नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, ओके, तो आपके पास 1 बाय एच कट ओमेगा। तो अब देखिए जब मैं यहां पर कहता हूं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ एनर्जी, तो यहां पर जब आपके पास नंबर फाइंड आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास वो नंबर इतना आता है ना, तो आप ये सोच रहे हो कि ये नंबर कैसे है, ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम फेस स्पेस में कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी हम कंटिन्यूस लेके चलते हैं, अब क्योंकि आपके पास ये नंबर आएगा, तो एक नंबर आएगा तो आपके पास एक कांस्टेंट होगा, देखिए 2 पाई ई, ये तो वैसे कांस्टेंट है आपके पास, ई आपके पास एनर्जी का यूनिट, ये नीचे भी एनर्जी का यूनिट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आपके पास ये तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो ये एक टर्म एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पर एक्जैक्टली आपके पास ये नंबर कैसे हैं, जैसे कि ये आपके पास ये कैसे नंबर है, क्योंकि ये भी अपना एनर्जी का यूनिट, ये भी एनर्जी का यूनिट, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, पर एक्जैक्टली ये नंबर कैसे हैं ये हम नहीं जानते, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक चीज से और समझाना चाहता हूं, तो देखिए इसको समझने के लिए आपने अगर लीनियर हार्मोनिक, अगर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप ये जानते होंगे कि ये ग्राउंड स्टेट में n0 शुरुआत होता है, n0, n1, n2, n3, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है वो आपके पास होती है हाफ एच कट ओमेगा, है ना, हाफ एच कट ओमेगा, नेक्स्ट आपके पास 3/2 एच कट ओमेगा, नेक्स्ट 5/2 एच कट ओमेगा, एंड सो ऑन, ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि मुझे यहां तक की डीई, जो डीई जैसे हम यहां पर बात करते हैं ना, डीई जो मेरे पास देखा है वो यहां तक का है, ठीक है, तो मतलब कितना हो गया 5/2 एच कट ओमेगा, और ये हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होता है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, तो यहां से हम हिंट कर सकते हैं कि एन से हम देख सकते हैं कि आप एन आपके पास कितना होगा 2 होगा, पर आपके पास ये स्टेट कौन सी होगी, स्टेट आप हम देखिए 0 शुरू करते हैं, तो 0 शुरू करते हैं तो आपके पास कितनी होगी स्टेट, ये थर्ड स्टेट होगी, ठीक है, तो आप समझ गए ना कि आप डिस्क्रीट पार्ट में तो आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हम काउंट करके हमने निकाल लिया, पर आप कंटिन्यूअस पार्ट में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर हमें आइडिया नहीं होता इस चीज का, ठीक है, तो यहां पर हमें आइडिया नहीं होता, पर हम यहां पर इस चीज को जनरलाइज करके, जैसे हमने जनरलाइज कर लिया, इतना हमने डी ले लिया, तो उसको जनरलाइज करके हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए जो आपको ये इलिप्स दे रखा है, इलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास इसमें इंटीग्रेशन चलेगा, इसमें हम ले लेते हैं, तो जनरलाइज केस लेकर चल रहा हूं मैं, वैसे 11 12th की बात आई, ठीक है, माइनस ए टू प्लस ए माइनस बी टू प्लस बी, ओके, आपके पास इंटीग्रेशन इसके अंदर डी एक्स डी वाई स्मॉल कंपोनेंट लूंगा मैं, तो डी एक्स आपके पास माइनस ए टू प्लस ए एंड डी वाई माइनस बी टू प्लस बी, ओके, तो देखिए हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से आप वाई की फॉर्म में अगर निकाल लें इसे, वाई इज इक्वल्स टू ये वाई स्क्वायर चलेगा यहां पर, तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था यहाँ पर, तो आपके पास ये हाफ, ओके, तो इतना आ जाएगा आपके पास ये, अब देखिए जब मैं यहाँ पर dx dy कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये y की वैल्यू आपके पास, जो ये y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस है, ठीक है, तो y की वैल्यू एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब प्लस माइनस में चल रही है, पर y की वैल्यू अगर मैं एब्सोल्यूट ले लूँ, ठीक है, मतलब कि इतना इतना पोर्शन ले रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, इतना इतना अगर मैं पोर्शन कवर करूँ, ठीक है, इस लेंथ के लिए, ठीक है, और इसको मैं इंडिपेंडेंट इसका इंटीग्रेशन कर दूँ इसका मैं, तो आपके पास कितना आएगा ये, देखिए वाई की आपके पास लिमिट माइनस बी टू प्लस बी माइनस ए टू प्लस ए, अगर इसको मैं सिर्फ ये लेंथ ले रहा हूँ तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस ए टू प्लस ए की जगह आपके पास जीरो टू ए हो जाएगा और बाहर टू आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, वाई डी एस, ओके, समझ में आ गई बात ये, ठीक है, अब देखिए वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप टू बी, क्योंकि अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ली है हमने, तो प्लस माइनस का कोई कंसीडरेशन नहीं रहेगा, माइनस ए टू प्लस ए और वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, अब सिर्फ आप इसे इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आपने 11 12th में किया होगा,
ओके। हमारा मकसद इसके अंदर ये था कि आपके पास अगर कोई भी, अगर ये तो चलो आपके पास टू डायमेंशन में था ना लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, पर अगर आपके पास कोई भी डायमेंशन आ जाए आगे चल के, तो आप मैथमेटिकली इसको रिलेट करके इसका एरिया निकाल लीजिए। ओके, तो यहाँ पर तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो आप हर जगह हायर डायमेंशन में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप मैथमेटिकली इस चीज को इसका एरिया निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम इन दी हायर कोऑर्डिनेट्स। तो हायर डायमेंशन में आपके पास कैसा रिलेशन आ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये निकाला था, यहाँ पर आपको एलिप्स पता लग गया था, हमने यहाँ पर पाई ए बी कर दिया था। तो अगर आपको पूछा जाता है कि आपके पास अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस में एनर्जी के साथ क्या रिलेशन बैठता है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, एक बार एक्स को जीरो कर दीजिए, ठीक है, तो पी का कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा, और एक बार पी को जीरो कर दीजिए एक्स का कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो भी ये वैल्यू होगी तो आपके उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप एक्स जीरो करेंगे पी जीरो करेंगे तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास एनर्जी का कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा, ठीक है, अनलेस यू कैन ऑल्सो फाइंड लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी तो आपको क्या बताता है, ये भी तो वही बताता है आपके पास अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, ठीक है। तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके आपको सिर्फ ओनली मैथ की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके अंदर आपको अगर इक्वेशन आप कंक्लूड कर लेते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी का रिलेशन फॉर द अलाउड वॉल्यूम ऑफ स्पेस। तो चलिए, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। सीएसआईआर दिसंबर 2014 में आ रखा है। द हैमिल्टनियन ऑफ क्लासिकल पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस अल्फा क्यू टू द पावर 4, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट एंड पी एंड क्यू आर मोमेंटम एंड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। Given that its energy E is less than equals to E naught, the available volume of phase space depends on E naught. देखिए आ गया ना कि आपके पास volume of phase space E naught के ऊपर कैसे depend करता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपको equation दे रखी है H is equal to P square by 2m plus alpha Q to the power 4, उसमें आप एक बार P को 0 कर दीजिए, Q का dependence निकल आएगा। देखिए P को 0 करेंगे तो आपके पास Q का dependence क्या आएगा, Q आपके पास आ जाएगा, Q आपके पास directly proportional होएगा e टू द पावर 1/4, ठीक है। इसे याद रखिएगा, q का डिपेंडेंस आपके पास e टू द पावर 1/4, और एक बार आप q को 0 कर दीजिए तो p का डिपेंडेंस क्या आ जाएगा, e की पावर हाफ, ठीक है। तो एक बार आएगा e की पावर 1/4, एक आ गया e की पावर हाफ, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, याद हुआ तो, ठीक है, p और q दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/4 प्लस 1/2 आपके पास कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सिंपली, ठीक है। और अगर आपका मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने अभी जो हिंट किया था आपको कि आप उसका इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं, मतलब कि आप यहां से इंटीग्रेशन में पी डी क्यू में वैल्यू पुट कर सकते हैं p की, तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका पूरा एग्जैक्ट निकालना है तो, ठीक है। तो वो भी अप्रोच लगा सकते हैं और ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, तो ये अप्रोच इजी था तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अगर आपको मैथ पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फेज डायग्राम ऑफ फ्री पार्टिकल ऑफ मास एम एंड काइनेटिक एनर्जी ई मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल इज गिवन बाय। तो देखिए वन डायमेंशन के लिए हमने सेम ये चीज़ कही हुई है, और मैंने आपको बताया था कि आपके पास पी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 m e आती है, तो आपके पास दो लेंथ 2 p हो जाती थी। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो रेक्टेंगल बनता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। द फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ऑफ एन अदरवाइज फ्री पार्टिकल बाउंसिंग बिटवीन टू हार्ड वॉल्स इलास्टिकली इन वन डायमेंशन। तो ईजी अभी करके आए सी रेक्टेंगल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर अ टू डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक गैस इज गिवन बाय जी ई इज इक्वल टू सी ई की पावर एन, वेयर सी इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ एन इज। तो देखिए आपको इसके अंदर टू डायमेंशनल दे रखा है, और हम जानते हैं जब हमने जनरलाइज केस किया था आपके पास डी डायमेंशन के लिए, आपके पास जो फॉर द रेंज ऑफ एनर्जीज आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या आया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था आपके पास ई की पावर डी बाय एम माइनस वन, जहां पर कि डी इसके अंदर डायमेंशन था और एम हमारे पास क्या था, जो पी की पावर होती है। अब ये टू डायमेंशनल आपके पास, तो यहां पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होगा, तो एम की वैल्यू हमारे पास टू है, तो ई की पावर पी बाय एम माइनस वन, तो टू बाय टू माइनस वन, तो वन वन माइनस वन जीरो, तो ई की पावर जीरो आएगी आपके इसके अंदर, मतलब कि आपके पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो एनर्जी पर डिपेंड ही नहीं करती, तो द वैल्यू ऑफ एन इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ चलते हैं। ये आपके पास गेट 2019 में आ रखा है। द एनर्जी वेव वेक्टर डिस्पर्जन रिलेशन फॉर अ पार्टिकल इन टू डायमेंशन इज इजिकल्स टू सी के। तो देखिए इस बार आपको रिलेशन उसने खुद दे रखा है, ठीक है, तो इजिकल्स टू सी के दे रखा है आपको। पिछली बार तो हमारे पास ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर था टू डायमेंशन के लिए, इस बार हमें रिलेशन खुद उसने दे रखा है, तो इजिकल्स टू सी के, और हम जानते हैं कि आपके पास पी इजिकल्स टू एच कट के होता है, तो वहां से अगर हम के की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आ जाएगा आपके पास, तो पी की पावर इस बार 1 है, मींस एम इज इक्वल टू 1, और ये बात किसके अंदर कर रहा है, ये टू डायमेंशन की अंदर बात कर रहा है, तो हमें यहां पर पी वैल्यूट करना है फॉर द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, आपके पास ई की पावर क्या आती है, मतलब की, ठीक है। तो आप सब्सिट्यूट कीजिए इसके अंदर e की पावर d बाय m माइनस वन, तो d डायमेंशन 2 है इसके अंदर, m की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 e की पावर 1 बन गया हमारे पास इसके अंदर, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज e की पावर 1, तो आपके पास p की वैल्यू 1 आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेट में तो सीधा इसके अंदर फॉर्मुला ही पूछ रखा है, ठीक है। कंसीडर सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल इन d डायमेंशन ओबेइंग द डिस्पर्शन रिलेशन e इज इक्वल टू a k टू द पावर s, वेयर e इज द एनर्जी, k इज द वेव वेक्टर, s इज एन इंटीजर, a इज अ कांस्टेंट।
द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू। तो अभी हमने देखा था कि आपके पास फॉर द जनरलाइज केस फॉर द रेंज ऑफ एनर्जी, तो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ एनर्जी कितने होते हैं आपके पास, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ई की पावर डी बाई एम माइनस वन। तो एम इसके अंदर क्या होता है, जो पी की पावर होती है। तो यहाँ पर डायमेंशन तो हमारे पास कितने हैं, डायमेंशन यहाँ पर डी है हमारे पास, ठीक है। और एम क्या हमारे पास, देखिए के देखा है तो के इज इक्वल टू पी इक्वल टू एच कट के, तो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो के की पावर होगी वो पी की पावर होगी, तो पी की पावर यहाँ पर एस बनती है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, ई की पावर डी बाई एस माइनस वन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक और क्वेश्चन देखा जाए। कंसीडर अ कैविटी ऑफ वॉल्यूम वी एट टेम्परेचर टी, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी ई ऑफ द क्वांटाइज्ड रेडिएशन फोटोन्स। देखिए इस बार ब्रैकेट में इसमें फोटोन्स लिखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से हिंट हो जाना चाहिए कि आपके पास ई इज इक्वल टू पी सी के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर जब देखिए आपको डायमेंशन नहीं दे रखा, तो अधिकतर जब हम डायमेंशन नहीं दिया होता हम थ्री डायमेंशन मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फॉर द रेंज ऑफ एनर्जीज आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर द एनर्जी आपके पास कितने आते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ई टू द पावर डी बाई एम माइनस वन। तो आपको ये तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो डायमेंशन इसके अंदर आपके पास कितने हैं, थ्री डायमेंशन थ्री है। और आपके पास एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू इस बार इज इक्वल टू पी सी वन है, ठीक है, थ्री माइनस वन टू। तो आपके पास ई स्क्वेयर, तो ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ के लिए अलर्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपको फॉर्मुला याद हो गया है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर डी बाई एम माइनस वन, ठीक है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर तो जैसे कि ई की सारी पावर्स ही डिफरेंट दे रखी थी, ठीक है। तो क्या पता कोई ऐसे ऑप्शन आए जिसके अंदर ई की पावर सेम हो। और ये तो चलो गेट का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपके पास देखो कि आपको जो ई के साथ जो कांस्टेंट दे रखे हैं वो भी सारे सेम ही है, ठीक है। बट आप इसके ऊपर पूरा केयरफुल हो जाएं, ठीक है। तो आपको ये याद भी होना चाहिए कि आप जी ई निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। जी ई आपकी जैसे फोटोन्स दे रखा है जिसके अंदर डी जनरेसी आपके पास टू है, ठीक है। तो फॉर्मुले में सब्सिट्यूट करके ये वैल्यू एक बार जरूर निकाल के देखिएगा, ओके। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस, टू डायमेंशन ओके, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास एम ईच इन सिस्टम ऑफ साइज एल क्रॉस एल, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स गिवन बिटवीन एनर्जी ई टू ई प्लस डी ई, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट पूछ रहा है, हम जानते हैं कि टू डायमेंशन में आपके पास ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फॉर गैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एनर्जी के ये इंडिपेंडेंट होता है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, ठीक है। ये हमने पहले भी कर चुके हैं अभी ना ये, तो आप ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक चीज़ के ऊपर अलर्ट हो जाइए, यहाँ पर चलो ठीक है आपके पास सिर्फ ई की पावर में ही चेंजेस थे, ठीक है। बाकी आपके पास जो ऑप्शन है वो सभी में जो कांस्टेंट है वो भी बराबर है आपके पास, पर कुछ ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं जिसके अंदर आपके पास कांस्टेंट भी अलग हो और ई की पावर भी कहीं ना कहीं सेम हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि टू डायमेंशन में देखा, टू डायमेंशन में तो निकालना ही बहुत ईजी है आपके पास। तो देखिए जैसे कि हमने आज ही किया था, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ एनर्जी ई, हमने क्या लिखा था, एरिया इंटू पाई पी स्क्वेयर ओवर एच एच स्क्वेयर, है ना, क्योंकि डायमेंशन टू है ना हमारे पास। तो देखिए पी स्क्वेयर की वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी स्क्वेयर हमने क्या लिखा था, टू एम ई। तो देखिए हमारे पास टोटली क्या बन गया था, ये टू ए एम ई डी ई बाई एच स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या पुट कीजिए, ए की वैल्यू पुट कीजिए, एल स्क्वेयर आ जाएगा। और क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन गैस दे रखा है इसके अंदर डी जनरेसी आपके पास टू होती है, तो आपके पास ए ऑप्शन ऐसे करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब कुछ कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टू डायमेंशन में आपको बता रखा है सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हो जाएगा आपसे, ठीक है, कोई बड़ी गेम नहीं है ये, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। तो फाइल खत्म हो गई है, कॉपी पर आते हैं। तो अभी हमने कैलकुलेट किए थे माइक्रोस्टेट फॉर द कंटिन्यूअस एनर्जीज फॉर्म, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं माइक्रोस्टेट फॉर डिस्क्रीट एनर्जीज। तो देखिए इफ एन आई आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन जी आई नॉन डीजनरेट एनर्जी स्टेट्स, देन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो देखिए नॉन डीजनरेट एनर्जी स्टेट्स की जगह कभी आपको वो ये भी कह सकता है कि सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कितनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी जब आप एक पार्टिकल को एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में फिल करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह नॉन डीजनरेट एनर्जी की जगह कभी वो सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट यूज कर लेगा। तो इसका मैंने आपको मतलब बताया सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसका मतलब बता ही दिया आपको, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में फिल करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है उस टाइम पर, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, तो अगर आपके पास हम क्लासिकल में यूज कर रहे हैं इसको, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो आप उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको आप कर सकते हैं जी आई की पावर एन आई, जहां पर कि जी आई आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, और एन आई आपके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास दो एनर्जी स्टेट है, ठीक है, ई टू एंड ई वन, ओके। तो दो एनर्जी स्टेट है, उसमें हमें दो पार्टिकल फिल करने हैं। दो पार्टिकल जो आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो क्लासिकल पार्टिकल्स हम फिल आउट करेंगे, तो आपके पास ये दो पार्टिकल्स हैं, पहली बात तो ये डिस्टिंग्विशेबल होंगे क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, दूसरी बात ये स्पिनलेस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है जब हम दो पार्टिकल्स को इन दो एनर्जी स्टेट में फिल आउट करेंगे, देखिए हम उनको देखिए जैसे कि वो दोनों डिस्टिंग्विशेबल है ना पार्टिकल, वो तो हम एक को नाम देते हैं ए, दूसरे को नाम देते हैं बी, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है दोनों ही पार्टिकल आपके पास इस स्टेट में हो, ए बी। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट में हो, दूसरा पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट में हो। ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर वाला नीचे हो, नीचे वाला ऊपर हो,
और या फिर ऐसा भी हो सकता है ये भी, ओके। तो आपके पास फोर पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है, जिसको कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे कि मैंने देखा था कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपके पास साई आर ए जो ए साई टू आर बी, ओके, तो आपके पास फोर पॉसिबिलिटीज बन गई। तो जीआई में आपको क्या था, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स आपके पास कितनी थी, टू, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी टू थे हमारे पास, तो फोर केसेस बन गए ना। तो देखिए फोर केसेस हमने कवर कर दिए यहां पर, और जो पॉसिबिलिटीज हमें मिली हैं ये आपके पास कॉन्स्टेंट के बेस पे मिली हैं, तो जिन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्टेट्स। तो ये ऑल आपके पास क्या होंगे, माइक्रोस्टेट्स। अब अगर आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मींस जैसे कि मैं यूं कहता कि आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ द सिस्टम होनी चाहिए ई1 प्लस ई2। तो देखिए ई1 प्लस ई2 का मतलब ये है कि आपके पास एक बार एक पार्टिकल ए में होना चाहिए, एक पार्टिकल बी में होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास वो कौन से दो केस बनते हैं, वो तो एक केस दो बनते हैं। तो इस केस में आपके पास माइक्रोस्टेट कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। अगर आपको यूं कहता कि आपके पास अब ये रिस्ट्रिक्शन होती कि सिस्टम की एनर्जी हमारे पास टू ई1 होनी चाहिए, ओके, तो उसकी आपके पास क्या केस बनते हैं, जैसे कि इसमें बनता है तो एक ही केस बनता है आपके पास, तो इसमें एक केस बनता है। यूं भी कह सकता था कि सिस्टम की एनर्जी आपके पास टू ई2 होनी चाहिए, तो उसके अंदर भी एक ही केस बनता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हमारे माइक्रोस्टेट्स भी चेंज हो सकते हैं। और पार्टिकल्स अगर आपके पास बोसोन्स हो, और स्पिन का कंसेप्ट हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, तो पार्टिकल अगर बोसोन्स हैं तो आपके पास वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, और अगर वो इंडिस्टिंग्विशेबल है तो आप क्या बता सकते हैं कि ये ए होगा या फिर ये बी होगा, या फिर क्या ये बी होगा या फिर ये ए होगा। तो मतलब कि इन दो ये दो जो कंडीशन है हमारे पास वो एक ही कंडीशन बनकर रह जाएगी, तो आप समझ रहे हैं ना बात मेरी। तो ये इन दो कंडीशन की जगह एक ही कंडीशन बनकर रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल आपकी जगह आपके पास क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो आपके पास जो माइक्रोस्टेट बनेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में जो आपके पास माइक्रोस्टेट बनेंगे वो बनेंगे एनआई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एनआई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन फैक्टोरियल। और ऐसे ही आपके पास फर्मी डिराक में जो माइक्रोस्टेट्स बनेंगे वो बनेंगे जी आई कॉम्बिनेशन एनआई, तो जो कि आप जानते हैं कैसे खोलते हैं, जी आई फैक्टोरियल ओवर जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल, ओके। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो जी आई है वो एन आई से बड़ा होना चाहिए, अनलेस दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू, है ना। सो आपके पास इसके अंदर जो जी आई है, जी आई मतलब कि आपके पास जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो एनर्जी स्टेट्स हैं आपके पास वो नंबर ऑफ पार्टिकल से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो बात थी आपके पास जब नॉन डीजनरेट का कॉन्सेप्ट था। अब अगर इसके अंदर डीजनरेसी और ऐड कर दी जाए तो, सो इफ एन पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन आई लेवल्स एज एन वन पार्टिकल इन लेवल वन विद डीजनरेसी G1, ठीक है, G1, N2 पार्टिकल इन लेवल टू विद डीजनरेसी G2, N3 पार्टिकल इन लेवल 3 विद डीजनरेसी G3, ठीक है, एंड सो ऑन NI पार्टिकल इन लेवल ith विद डीजनरेसी GI। तो देखिए इसमें आपके पास क्या चल रहा है, N इज इक्वल टू समीशन NI, है ना, जितने भी हम देख चल रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास हैं, ये N के बराबर है। अब देखिए जो हम मैक्सवेल बोल्ट्समैन में लिख रहे थे GI की पावर NI, तो देखिए अब आपके पास जब क्योंकि डीजनरेसी ऐड हो गई है, ठीक है, क्योंकि डीजनरेसी कॉन्सेप्ट आपके पास ऐड हो गया है, तो हर एक पार्टिकल, तो N1 पार्टिकल, तो हर एक लेवल में आपके पास जो डीजनरेसी GI है, ठीक है, तो जिसकी वजह से यहां पर प्रोडक्ट होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बोस आइंस्टाइन में भी आपके पास प्रोडक्ट होगा NI प्लस GI माइनस वन ओवर NI फैक्टोरियल ओवर GI माइनस वन फैक्टोरियल, ओके। और फर्मी डिराक के लिए भी सेम, GI ओवर NI फैक्टोरियल GI माइनस NI, ओके। आगे डिस्कस करते हैं, इफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दैट इन लेवल टू N3 पार्टिकल्स इन लेवल 3 एंड सो ऑन, ओके, देन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास क्या होंगे, देखिए N फैक्टोरियल ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ओके, तो N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू NI, ओके, क्योंकि NI पार्टिकल तक जा रहा है आपके पास, ये सो ऑन जो रहा है ना NI पार्टिकल तक जा रहा है आपके पास, तो N फैक्टोरियल ओवर, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई NI। तो देखिए मैंने तो ये लिख दिया, पर आपको तो
आपके दिमाग में प्रेशर आ गया होगा ना, ये टर्म हमने कहाँ पढ़ी थी और कैसे आया ये, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ आपको इसको। देखिए जो डेरिवेशन रिलेटेबल होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है? जो आपके पास रिलेटेबल नहीं होगा, मतलब कि आगे कॉन्सेप्ट में यूज नहीं आ सकता, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा इस क्लास में, ठीक है? तो देखिए पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास आई वन से लेकर जितने भी जहाँ तक चलेगा ये, वो आपके पास इसके बिग एन के बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो एन वन प्लस एन टू अप टू एन आई तक जा रहा है ये। तो देखिए हमें शुरुआत कैसे करनी है, हमें एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में से एन वन पार्टिकल्स उठाने हैं, ठीक है? और उन्हें लेवल वन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वापस सुनिए, हमें एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में से एन वन पार्टिकल्स उठाने हैं और लेवल वन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है, अब एन वन पार्टिकल्स तो हम डिफरेंट वेज से उठा सकते हैं, तो एन वन पार्टिकल्स को उठाने का तरीका भी डिफरेंट है, ठीक है? सो द नंबर ऑफ वेज और वी कैन से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स टू सेलेक्ट एन वन पार्टिकल्स आउट ऑफ एन पार्टिकल्स, तो कॉम्बिनेशन लगेगा इसके अंदर। देखिए एन वन पार्टिकल्स उठा रहे हैं हम एन पार्टिकल्स में से, ठीक है? तो आपके पास आ जाएगा ये एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन माइनस एन वन फैक्टोरियल, ओके? ऐसे ही द नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट वापस लिखूंगा मैं, टू सेलेक्ट, इस बार हम उठाएंगे देखिए N2 पार्टिकल्स, N2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अब हमें लेवल 2 में, ठीक है? टू सेलेक्ट N2 पार्टिकल्स आउट ऑफ, तो देखिए N1 पार्टिकल हम उठा चुके हैं, ठीक है? इस बार हम जो पार्टिकल्स उठाएंगे वो N माइनस N1 पार्टिकल में से उठाएंगे, ठीक है? आउट ऑफ N माइनस N1 पार्टिकल। तो इस बार कॉम्बिनेशन क्या रहेगा हमारा, N माइनस N1 CN2, ओके? तो N2 पार्टिकल्स आर सेलेक्टिंग आउट ऑफ N माइनस N1, तो ये कॉम्बिनेशन आप खोल दीजिए, N माइनस N1 1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन वन माइनस एन टू, ओके? ऐसे हम थर्ड लेवल के लिए करेंगे, थर्ड लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन थ्री पार्टिकल्स आउट ऑफ, अब कितने में सेलेक्ट होगा, एन वन माइनस एन वन माइनस एन टू, सो आउट ऑफ एन माइनस एन वन माइनस एन टू, ओके? तो एन माइनस एन वन माइनस एन टू वी आर सेलेक्टिंग एन थ्री पार्टिकल्स, तो इसका भी कॉम्बिनेशन खोल दीजिए आप, एन माइनस एन वन माइनस एन टू फैक्टोरियल ओवर एन थ्री फैक्टोरियल, नीचे आप देखेंगे एन माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस एन थ्री फैक्टोरियल, डन। ऐसे ही हम आईएथ के लिए खोलते हैं सीधा, हम जब सीधा आईएथ के लिए आएंगे द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन आई पार्टिकल्स आउट ऑफ, तो इस बार आपके पास कितना होगा, n माइनस एन वन माइनस एन टू एंड सो ऑन, कितना तक होगा बता सकते हो? देखिए जब यहां पर आपके पास हम n3 सेलेक्ट कर रहे थे तो n2 था, ठीक है? n2 सेलेक्ट कर रहे थे तो n1 था, इस बार आएगा आपके पास n i माइनस वन, तो आपके पास आएगा n i माइनस वन, ओके? तो कॉम्बिनेशन नहीं खोलूंगा इसका मैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस, नहीं वो चीज नहीं है, पेज खत्म हो गया ये बात नहीं है, बात ये है कि कॉम्बिनेशन में आगे जाके खोल दूंगा इसका, ठीक है? चलो बता देता हूं आपको, तो देखिए ये हम लिखेंगे इसका फैक्टोरियल n माइनस एन वन माइनस एन टू एन आई माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे हम देखिए नीचे n i फैक्टोरियल, नीचे हम माइनस करेंगे, देखिए इस सारे को हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है? तो आपके पास क्या बचेगा बता सकते हो? तो आप इस सारे को इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास वन फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है? तो ये तो आपके पास n वन से लेके n i तक तो आपके पास n ही है ना, तो आपके पास यहां पर वन फैक्टोरियल बचेगा, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, ओके? तो हमने सभी वेज निकाल लिए हैं कि हम N1 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, N2 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कि उनके वेज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास क्या होंगे, देखिए सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के बराबर होंगे, ठीक है? तो देखिए पहली टर्म हमारे पास क्या थी, पहली टर्म थी हमारे पास, हाँ जी ये रही एन फैक्टोरियल ओवर, तो मैं से लिख रहा हूँ, ठीक है? आपने भी नोट किया होगा तो आप भी लिख लीजिए, n माइनस एन वन, एन वन था यहाँ पर फैक्टोरियल n2, तो देखिए दूसरी टर्म आपके पास क्या थी, ये थी, सो n माइनस एन वन एन वन एन टू फैक्टोरियल n माइनस एन वन माइनस एन टू एंड सो ऑन, आपके पास लास्ट में था n माइनस एन वन माइनस एन टू एन आई माइनस वन डिवाइड बाय एन आई फैक्टोरियल, ठीक है? ये तो वन तो पता था ना आपको कैसे है, अब देखिए आपको दिख नहीं रहा ये टर्म कैंसिल हो रही है आपके पास, ये टर्म कैंसिल हो रही है, यहां से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? तो नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, तो टोटली आपके पास ये बच जाएगा
माइक्रोस्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास एन फैक्टोरियल, देखिए ऊपर सिर्फ आपके पास एन फैक्टोरियल बचेगा, वैसे ये टर्म आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ऊपर वाले टर्म जो आपके पास है वो सभी कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ इसको छोड़कर, और नीचे आपके पास आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर शुरुआत में एन फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट एन टू फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, एन थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा, लास्ट में आपके पास क्या रहा है, एन आई फैक्टोरियल आ रहा है, एन आई फैक्टोरियल आ रहा है, तो यही तो आया था हमारे पास, ठीक है, दिखाऊं क्या ऊपर, दो मिनट रुक जाओ, तो ये हमने प्रूव कर दिया, दिखा दूंगा आपको, ये रहा, ओके, समझ में आ गई बात, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इन विच आर पार्टिकल्स आर इन सिंगल पार्टिकल स्टेट, तो देखिए ना सिंगल पार्टिकल स्टेट आ गया आपके पास, ए एंड एन माइनस आर पार्टिकल्स इन सिंगल पार्टिकल स्टेट बी सच दैट पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू वन, पी ए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट ए, पी बी यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट बी फॉर ईच पार्टिकल, ठीक है, तो अब एक बात समझिए आप, ये आपके पास हमें जो फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इन विच आर पार्टिकल्स आर इन सिंगल पार्टिकल स्टेट, तो आपके पास आर पार्टिकल स्टेट ए में है, एन माइनस आर पार्टिकल स्टेट बी में, तो आप एक बात समझिए यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है सच दैट प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू वन, तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऐड कब होती है, आपको ध्यान है आपके पास प्रोबेबिलिटी तब ऐड होती है जब आपके पास दोनों ही केस आपके पास क्या बन रहे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन रहे हो, ठीक है, तो ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, तो आपको आनी चाहिए, अगर आपने प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं भी किए ना तो भी आपको ये चीज पता होगी मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत जब करते हैं हम तो डेफिनेशन पढ़ते हैं जैसे कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है मल्टीप्लाई होती है, सिंपल वी नो दिस, ओके, तो अब देखिए अब जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू वन है, ठीक है, तो जो पार्टिकल इसके अंदर आ गए वो पार्टिकल इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, और जो पार्टिकल इसके अंदर आ गए वो पार्टिकल इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, मींस द पार्टिकल विच आर काउंटेड इन ए दोस पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी इन बी इज जीरो, ओके यू कैन से दिस, अब आगे चलते हैं, अब देखिए अब जो आर पार्टिकल हम चुनेंगे, अब ये आर पार्टिकल जो हम सिलेक्ट करेंगे जो स्टेट ए में डालेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा, ठीक है, तो ये आर पार्टिकल्स ए में आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, द प्रोबेबिलिटी, तो सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं इसका, द प्रोबेबिलिटी दैट आर पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट ए, ठीक है, तो जब आर पार्टिकल आपके पास स्टेट ए में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आपके पास वो आर पार्टिकल इंडिपेंडेंट वे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, अब वो इंडिपेंडेंट वे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे पहला पार्टिकल उठाया आपने तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी ए में पी ए है, ठीक है, ऐसे आप आर पार्टिकल उठाएंगे, है ना, आर पार्टिकल उठाएंगे ना तो आर टाइम्स हो जाएगा ये, सो पी ए टू द पावर आर, अब बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी, वही सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट एन माइनस आर पार्टिकल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट बी, ओके, तो यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब देखिए ये भी अब जब आप बी स्टेट में पार्टिकल डाल रहे हैं, ठीक है, एन माइनस आर आपने चुन लिए, ठीक है, एन माइनस आर जो आपने चुने आपके पास, तो देखिए पहले पार्टिकल को आप उठाएंगे तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास पी बी है, ठीक है, दूसरे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी भी पी बी है, ऐसे आपके पास एन माइनस आर पार्टिकल्स है तो एन माइनस आर टाइम्स हो जाएगा, सो पी बी एन माइनस आर, ओके, अब देखिए इसने हमें अगर ऐसा कहा होता ना, तो देखिए अब इसने अगर हमें ऐसा कहा होता ना कि आपके पास ये पार्टिकल्स 3 है ये पार्टिकल्स 5 है, ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, पर अब इसने हमें ये कह दिया कि आप n पार्टिकल्स में से उठा रहे हैं, n पार्टिकल्स में से r और n माइनस आर पार्टिकल उठा रहे हैं, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ वेज देखने पड़ेंगे कि आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं वो r पार्टिकल्स n पार्टिकल्स में से, ठीक है, तो द नंबर ऑफ, तो हमें सिर्फ r पार्टिकल्स उठाने हैं, ठीक है, अब जब आप r पार्टिकल्स उठाएंगे तो ये तो ऑब्वियस होगा दूसरा ग्रुप अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर पार्टिकल्स आउट ऑफ एन पार्टिकल्स, तो ये कितने हो गए आपके पास एनसीआर, ठीक है, अब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास पी ए टू द पावर आर पी बी एन माइनस आर इंटू एनसीआर, ओके, तो ये आपके पास वेज है जिससे कि आपने आर पार्टिकल सेलेक्ट किया, तो अब इसमें आप आगे केस देखिए, इफ अब देखिए अगर हमें दिया हो पी ए और पी बी की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, और ये कंडीशन भी हो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू वन, ओके, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि आपके पास पी ए और पी बी इस केस में क्या होगा हाफ ही होगा, ठीक है, तो अब आपके पास जो ये प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आएगी, देखिए आर्गुमेंट्स लेते हैं आर और एन माइनस आर, ठीक है, तो आपके पास पी ए हाफ टू द पावर आर हाफ एन माइनस आर आपके पास एन सी आर विच इज इवेंचुअली बिकम एन सी आर ओवर टू टू द पावर एन, ओके, तो आप ये दोनों केस याद रखेंगे, ये आपके पास यूजुअली क्वेश्चंस में यूज आ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज रिलेट करवा देना चाहता हूं, देखिए एनसीआर को आप ध्यान से देखिए, एनसीआर आपके पास क्या है,
आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आर और एन माइनस आर। देखिए इसको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ आपको, हम इसको कैसे खोलते हैं, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आपके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना आपने इसको, ठीक है। तो एनसीआर तो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, और टू की पावर एन आपको रिप्रेजेंट करता है जैसे कि आपके पास एक पार्टिकल के लिए आपके पास दो स्टेट अवेलेबल है, तो आपके पास एन पार्टिकल के लिए टू टू पावर एन स्टेट अवेलेबल है। तो ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, तो आपको प्रोबेबिलिटी का पता लग गया होगा, मैंने इसको थोड़ा सा रिलेट भी कर दिया आपको। तो इसको मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में नोट कर देता हूं आपके लिए, ये लीजिए। तो एनसीआर आपके पास, ये आपके पास माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, ओके, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए माइक्रोस्टेट्स इन विच आर पार्टिकल्स आउट ऑफ एन पार्टिकल्स इन स्टेट ए एंड एन माइनस आर पार्टिकल्स इन स्टेट बी। और टू की पावर एन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू की पावर एन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स विद टू स्टेट फॉर ईच पार्टिकल, ओके। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर देते हैं हम कि जो आपके पास माइक्रोस्टेट आईएथ माइक्रोस्टेट, ठीक है, तो नंबर ऑफ, एक चीज और बता दूंगा आपको पहले, देखिए यहां पर हुआ क्या है, ठीक है, यहां पर आपके पास प्रायोरिटी रेशियो भी तो आता है ना, तो वही तो निकाला हमने, ये आपके पास जो माइक्रोस्टेट थे पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको और जनरलाइज करके देख रहा हूं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ आईएथ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपके पास क्या आ जाएगी, प्रायोरिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये चीज डायरेक्ट लिखता था तो आपको समझ में ना आती, ठीक है, तो मैंने यहां से एक क्वेश्चन के थ्रू इसको रिलेट करते हुए आपको समझाया, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टूड हो गई होगी। तो दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ आईएथ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, पीआई प्रायोरिटी ऑफ आईएथ मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम, ओके। तो देखिए अभी तक हमने माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ लिया है, आइए उसकी डेफिनेशन भी हम देख लिए। माइक्रोस्टेट, द स्टेट रिलेटेड विद द स्टेट पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम कॉल्ड माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट, द स्टेट रिलेटेड विद पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम कॉल्ड माइक्रोस्टेट। एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, द माइक्रोस्टेट्स विच आर अलाउड अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस, ओके। तो जैसे कि हम रिस्ट्रिक्शंस आपको बताई थी ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर सिस्टम की आपके पास जो एनर्जी है वो E1 प्लस E2 हो, तो अगर ऐसी आपके पास रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो द नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट्स फॉर अ माइक्रोस्टेट्स, ओके। फंडामेंटल पोस्टुलेट्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ इक्वल अ प्रायरी प्रायोरिटी। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है ये, द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ईच माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए माइक्रोस्टेट इज इक्वल। इसमें यूं कह रहा है कि आपके पास माइक्रोस्टेट में हर एक माइक्रोस्टेट की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, ओके। इसको और वाली लाइन भी पढ़ सकते हैं आप, ईच माइक्रोस्टेट ऑफ अ माइक्रोस्टेट इज इक्वली प्रोबेबल, ओके। अब आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़े, आपको ज्यादा आती है पढ़े कम आती है, पर आपको ये रिलेशन तो जरूर ही पता होगा, ठीक है। एस इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, एल एन आपके पास माइक्रोस्टेट। तो देखिए एस जहां पर कि यहां पर क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये बुक में क्या लिखा होता था इसका, हाँ जी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लिखा होता था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो आपके पास ये रेशियो में डिफाइन होगा, ठीक है, जैसे कि हमने अभी प्रोबेबिलिटी डिफाइन की थी ना, ठीक है, नहीं रेशियो में डिफाइन नहीं होगा, ये आपके पास एक नंबर है, तो ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता, ठीक है, ये आपके पास एक नंबर डिफाइन करता है, जो जिसका मतलब है, अब इसका ये मतलब होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, ओके। जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, तो ये चीज आपके पास माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, और ये तो आप जानते हैं ये आपके पास मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, ओके। तो इसलिए भी ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह का ब्रिज का काम करता है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के बीच में, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बीच में, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला एक ब्रिज का काम करता है, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं,
हम जानते हैं कि TDS इज इक्वल टू DU प्लस DW, तो फर्स्ट लॉ है ना, आपके पास सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स मिक्सअप करके हम बनाते थे, ये तो हम कर चुके हैं बहुत, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। DU प्लस PdV माइनस, अगर आपके पास, अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन्वॉल्व है, तो आपके पास केमिकल पोटेंशियल भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इस फॉर्मुला के थ्रू अगर एंट्रोपी हम जानते हैं, ठीक है, एंट्रोपी अगर हमें पता लग गई है, ठीक है, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स निकाल लेंगे, ठीक है, लाइक दिस, P/T, सो जस्ट बाय नोइंग द एंट्रोपी थ्रू दिस ब्रिज फॉर्मूला, ओके, वी कैन कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। फोर डिस्टिंग्विशेबल कॉइंस आर टॉस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ईच मैक्रोस्टेट, द प्रायोरिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रायोरिटी। तो देखिए, इसको करने के लिए पहले मैं एक चार्ट बना लेता हूं, आपको मैं दो तरीके बताऊंगा इसको करने के, ठीक है, एक तो जो हम अभी पढ़ के आए हैं उसके थ्रू, और एक जो आप जानते हैं उसके थ्रू। तो जो आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, मैं वो मेथड अपना रहा हूं पहले, मैक्रोस्टेट, ओके, तो हेड आने की प्रायोरिटी और टेल आने की, ये आपके पास माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट, टोटल माइक्रोस्टेट्स, और यहां पर हम लिख देंगे प्रायोरिटी, ओके। तो ये पहले बात करते हैं कि आपके पास फोर के फोर हेड्स आ गए, फोर के फोर हेड्स आ गए, तो मैं नाम लेता हूं जैसे कि ABCD, ठीक है, जैसे कि पहला कॉइन ए, दूसरा कॉइन बी, तीसरा कॉइन सी, फोर्थ कॉइन डी, तो ABCD, चारों के चारों में आपके पास क्या आ गया, हेड आ गया, और इसमें टेल में कुछ नहीं आया, ठीक है, तो इसकी आपके पास क्या केस बनते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने बनेंगे, एक ही बनेगा ऐसा, तो ठीक है, और कोई नहीं बन सकता। नेक्स्ट केस देखिए, अब आप नेक्स्ट केस में आपके पास थ्री हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, मतलब कि आपके पास ABC तो डी में टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ABDC में टेल आ जाए, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है BDC ए में टेल आ जाए, तो समझ गए ना, मतलब कि चार पॉसिबिलिटीज बन सकती है आपके पास, तो एक कौन सी रहेगी आपके पास, बी रहेगा ना, ACD। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन मैक्रोस्टेट्स आपके पास कितने बनेंगे, फोर। मैं आपको एक चीज और यहां पर बता देना चाहता हूं कि आपके पास जब हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालते थे, हम कैसे निकालते थे, 2 to the power n करके, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आएंगे, 16 आएंगे, ठीक है, जो कि आप 2 to the power n करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है, इसको हम एंड में चेक भी कर लेंगे, ठीक है। और कौन सा केस बन सकता है आपके पास, टू हेड एंड टू टेल में आपके पास AB पे आ सकता है, AC पे आ सकता है, आपके पास AD पे आ सकता है, BC पे आ सकता है, और BD पे आ सकता है, CD पे आ सकता है, ओके, और इस साइड आपके पास टेल फिर किस साइड आएगा, CD पे नहीं आएगा, और BD पे नहीं आएगा, BD पे टेल आएगा, और BC पे, AD पे, AC पे और AB पे, ओके, तो ये केसेस आपके पास बनेंगे, तो ये टोटली आपके पास कितने केसेस बन गए, 6 केसेस बन गए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, जब आपके पास 1 हेड आए और 3 टेल आए, ठीक है, तो आपके पास ये चीज रिवर्स हो जाएगी, जो हमने ये किया था वही आपके पास रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखूं क्या मैं, चलो लिख देता हूँ ABCD, और इधर आ जाएगा आपके पास BCD, ACD और ABD, ABC, ओके, तो आपके पास इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर माइक्रोस्टेट फॉर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो आपके पास इस केस के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास 4 बनेंगे, ठीक है, और ऐसे ही आपके पास अब लास्ट केस रहेगा, लास्ट केस आपके पास क्या आएगा, 0 and 4, तो इसमें आपके पास ये एम्प्टी रह जाएगा और ABCD, ये आपके पास एक ही केस बनेगा, ओके, तो आप काउंट कीजिए अभी से, 6 4 10 11 4 1 5 16, तो 16 केस बन गया ना आपके पास, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 16 बन गया आपके पास, तो प्रायोरिटी निकाल लीजिए, प्रायोरिटी निकालनी एकदम इजी आपके पास, तो फर्स्ट की प्रायोरिटी कितनी आएगी, 1/16, ओके, नेक्स्ट की प्रायोरिटी 4/16, 6/16, 4/16 एंड 1/16, ओके, सिंपल। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ माइक, तो फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स आपके पास कितने बने, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 तो माइक्रोस्टेट्स बने आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास कितने बने, ये 5 बने, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमने निकाला 16 बने आपके पास, ठीक है, ये आपके पास 16 बने, ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ईच माइक्रोस्टेट्स, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ईच माइक्रोस्टेट, देखिए माइक्रोस्टेट फॉर ईच माइक्रोस्टेट 1, इसमें 4 आया, ऐसे कंटिन्यूस में लिखे हुए सभी, आप टेबल में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया, द प्रायोरिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट, प्रायोरिटी भी हमने निकाल लिया, ठीक है, तो हर एक के लिए निकाल लिया हमने, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, देखिए मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट कौन सा होगा आपके पास, देखिए जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो यही आपके पास, ठीक है, 6/16, तो मैंने आपको कहा था एक मेथड तो मैं वो कराऊंगा जो आपको आता होगा, ठीक है, जो आप रेगुलरली करते आ रहे हैं, ठीक है, एक मेथड जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेस पर। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आपके पास NCR बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो देखिए आइए इसे यूज करते हैं, अब अगर एक ग्रुप को हम सेग्रीगेट कर लेंगे, दूसरा ग्रुप अपने आप सेग्रीगेट हो जाएगा ना, तो N यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास कितने हैं, 4, ठीक है, और आप सिलेक्शन कितना कर रहे हैं,
फोर हेड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, फोर सी फोर आपके पास क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ पर देखिए आप फोर हेड्स फोर पॉइंट्स ले रहे हैं, सिलेक्शन कितना कर रहे हैं, सिलेक्शन आप थ्री हेड्स का कर रहे हैं, तो फोर सी थ्री करेंगे तो आप देखिए इसको 4 3 1 factorial, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 4 लिखा हुआ मैंने इधर। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास इस बार हम 4 कॉइंस में से 2 कॉइंस हेड सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 कॉइंस हेड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास कितना आएगा 4 over 2 factorial, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा 4 3 2 factorial, तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4, तो 6 6 आ गया आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे ही आपके पास हम अब सेलेक्ट कर रहे हैं 4C1, अब हमारे पास एक हेड रह गया, ठीक है, एक हेड सेलेक्ट करते हैं, तो एक हेड सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कितना बनेगा 4 over 1 3 factorial, तो 4 3 तो 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे ही आप लास्ट वाला भी कर लेंगे, वो तो केस रिपीट हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको टेबल बनाने की ये चीज करने की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, जो हमने अब आज कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेस पे भी कर सकते हैं आप इसे। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ईच माइक्रोस्टेट, द प्रायोरिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट, ये आप इजीली निकाल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं।